इस हुसू के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं सर से मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आए और अपने। हेलो गाइस, अभी आपको लगेंगे कि मैं कैसे गेटअप में हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हाय हेलो, बहुत दिन के बाद अभी मैं एक्चुअली मैंने कुछ हेयर स्टाइल सोचा है। आई डोंट नो किस हिसाब से निकल आएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने जस्ट रोल करके स्प्रे, हेयर स्प्रे सेट किया है, तो अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो देखते हैं। जस्ट हल्का सा कर्ल हो और मेरे बाल थोड़ा गीला है। सो गाइस, अभी हम रेडी कर रहे हैं, मैं रेडी कर रही हूँ। हम मेरे आज परफॉर्मेंस है हम लोग के हिमालयन यूनिवर्सिटी, जो कि ईटानगर जोलांग पे है, तो वहाँ पे आज हमारा परफॉर्मेंस है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म करना एक अलग ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यंगस्टर दे लव म्यूज़िक एंड दे नो हाउ टू इन्जॉय। सो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड मैं अभी जस्ट कुछ हल्का सा लिप कलर नहीं डाला, कुछ हल्का सा मेकअप कर लिया है, फिर धीरे धीरे मैं दिखाती हूँ आज मेरा आउटफिट क्या रहेगा। एंड आई डेफिनेटली कोशिश करूँगी जितने भी इवेंट रहेंगे हम ब्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज़ बने रहना। तो ये आज का आउटफिट ये रहेगा, ये मैंने कल शोरूम से ख़रीदा है। तो मैं बहुत कुछ बहुत हल्का सा जो मैं सोच रही थी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे पे एंड जगह के अकॉर्डिंग। तो ओ माय गॉड, मैंने अभी तक टेक भी नहीं निकाला है, कहीं मैं टेक के साथ ना चली जाऊँ। ये वेरामोडा से ख़रीदा, मैं सोचा ये ओनली का है, क्योंकि ओनली का जो मटेरियल है ना, यूजली ऐसा थोड़ा होता है। मैं कल, क्योंकि मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं एक कपड़ा बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मतलब उठाती नहीं हूँ एक साथ, क्योंकि बार बार क्यों बार बार क्यों ड्रेस चेंज करना है। तो एक बार ही चेंज करके, तो जितना मुझे मतलब अच्छा लगता है, तो मैं एटलीस्ट एक कपड़ा ख़रीदना हो तब भी मैं 9-8 पीसेस तो लेके जाती हूँ। तो कल मुझे ये पसंद आया, और एक मुझे पसंद आया था, वो था वो शायद वेरामोडा, नहीं नहीं वो ओनली का था, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ है। वो मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं कल दिन को भी मेरा कुछ अमेजन से सामान आया था, काफ़ी मुझे महंगा पड़ा, तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो मैंने देखा स्टॉक्स पे बहुत सारा था, तो शायद नए नए आए हैं, तो देखते हैं कुछ दिन के बाद अगर होते हैं तो मैं डेफिनेटली आई लव टू बाय सो दैट ड्रेस। सो अभी फिर रेडी करते हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक है गाइस, मैं अभी इसको एक्चुअली मैं इस ये ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, और मुझे वहाँ 5 बजे जाके साउंड चेक करना है। बाकी तो मेरा परफॉर्मेंस 7:30 या 8 को होगा। तो गाइस, ये ट्रैफिक जो है पापुनाला 3 नाली नीचे से ट्रैफिक है और यहाँ तक है, देखिए तो कितना ट्रैफिक है आज। और मैं आज थोड़ा लेट निकला, थैंक गॉड मेरे जगह पर ट्रैफिक नहीं है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। ट्रैफिक होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अब इतना सारा ट्रैफिक है इस वजह से होगा। वहाँ पे वन वे कर दिया ना, तो वन वे जो जहाँ पे डाइवर्शन है वहाँ पे रोड बहुत ही नैरो है, आई थिंक फॉर दैट रीज़न ट्रैफिक हो रहा है। और आज मंडे है, ऑब्वियसली ट्रैफिक तो बनता है, बट बहुत दिन के बाद ऐसा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, बिकॉज इलेक्शंस का भी समय आ गया है। मैंने आउटफिट पहना है, अभी मैं फिलहाल दीरी ग्राउंड के पास हूँ, तो लेट नहीं हूँ मैं गाइस, बट या तो गाइस अभी मैं गंगा मार्केट पहुँचने वाली हूँ, और यहाँ भी थोड़ा ट्रैफिक है। बाय द वे ट्रैफिक ही ट्रैफिक एवरीवेयर, ट्रैफिक जैम। तो मैं नियर बाय SBI, तो शाम का नज़ारा दिखाती हूँ कैपिटल का। सो गाइस, अभी हम हिमालयन यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, एंड मेरे राइट पे है आई लव हिमालयन यूनिवर्सिटी। तो हम सीधा स्टेज के ओर जाएंगे, होपफुली स्टेज उस साइड होगा। और ये दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट, एंड बहुत सुंदर है, काफ़ी बड़ा है, अर्जु का भी कुछ हद तक मतलब सिमिलरिटी है, तो लोग शायद आए हुए हैं। ओके, वो स्टेज एक ना छोटा सा क्यूट सा है, वो एक धूम मचाएंगे। तो गाइस,
guys, finally I'm here and I think this is 6th annual sports meet. So this is my first visit. I hope बहुत अच्छे हो. अभी थोड़ा इलेक्शन का समय इसलिए से करेंगे. ये काम सर है हम लोग का. हेलो सर. सो गाइस, ये है बिफोर. अभी लोग आए नहीं हैं. और दिस इज 6th एनुअल स्पोर्ट, 6th एडिशन है. मैंने सोचा कि फर्स्ट एडिशन होगा तो बहुत सारे क्यूट से हाथ भी. ओ क्या क्या है, ट्राइब से क्या हाथ जो. और ये हम लोग का उधर भी जाके आप वो कर सकते हैं. सभी मैं मेरे बचपन का एक फ्रेंड को मिलाती हूँ, इस गतो युदिक, और ये भी यहाँ के फैकल्टी है. तो मैं तो ये दोनों भी मेरा बचपन का पड़ोसी फ्रेंड. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है. मैं रखूँ तो गाइस देखना, मुझे माइक मिला है और किसने दिया. यहाँ पे रख दो. वाओ, उसको भी रखना है. नहीं आएगा, प्रेम में आना नहीं चाहते. हम प्रेम में आने वाले हैं. हम आजकल ब्लॉग बनाते थे. अरे गाइस, कल्चरल इन चार्ज, ओवरऑल इन चार्ज कल्चरल. ओ ये हम लोग का बचपन का कोरियोग्राफर नजीना जी. बा सजीना जी, ये लंगूतिया यार है ना. तो मैं इतना जोर से बोल रहा हूं. गाइस वी आर, अरे सॉरी गाइस, हम पागल रहे हैं. गाइस वी आर लंगूतिया यार, छोटा चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप का. I also live with the stars. And guys, देखना मेरा सैंडल भी टूट गया. It was really unexpected. मैं कोई एक्स्ट्रा सैंडल मेरे पास नहीं था, और जो मेरे साथ दो दोस्त बैठे थे उनके पास भी उन लोग भी शूज पे थे. तो मैं क्या करूं, लेकिन मैंने कुछ जुगाड़ किया है. मैं डेफिनेटली दिखाना चाहूंगी. दैट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड. बहुत दुख हुआ पर मज़ा भी आया. इस हुसु के जनरल सेक्रेटरी हैं. मैं सर से मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अपने वेलकम एड्रेस दें. चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे हुसु जनरल सेक्रेटरी के स्वागत में. प्लीज गाइस ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार. So guys, ये आज का जुगाड़ रहेगा. क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक चप्पल रहेगा तो मेरा साइज का होगा, बट दिस इज नॉट माई साइज. सो जुगाड़ है. वेरी वार्म इवनिंग ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर. आई श्री टीची तालोंग जी एस हुसु ऑन बिहाफ ऑफ the student and faculty member of Himalayan University would like to welcome our today chief guest Achi Rahim Yangpo BP Ansu and our guest of honor Achi Charu Tapum President Akaksu and our renowned singer of state sister Pangam Lombi and brothers Tachang Liak. And also I would like to welcome all the students, friends and other dignitary present this evening. The opening गाइस, सैंडल तोड़ते समय मेरे चापू भाई को इस तरह लग गया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, लेकिन वो पता नहीं मुझे खुश कराने के लिए बहुत हंस रहे थे. आज के जो स्पेशल इनवाइटी है पंगम लुम्बी मैडम जी, आप आए, आपके लिए छोटा सा भेंट है हमारे हुसु वालों की ओर से. तो एक बार प्लीज गाइस, एक बार हमारे जो आज के स्पेशल इनवाइटी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज. तो ये है आज के हमारे इस आयोजन का स्पेशल इनवाइटी है, और कुछ ही मिनटों के बाद ये आप लोगों के लिए बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं. इसीलिए आप सब चुपचाप ना बैठे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. इसके साथ साथ मैं इस वक्त में हमारे जो हुसु के जो कि हिमालय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जीएस को मैं बुलाना चाहूंगा. तो देखना गाइस, मेरे चापू भाई मुझे पूरा मेरे सैंडल को झूम किया. आज के जो जजेस को, तो ये है हमारे आज के जजेस लिका यामाहे जो
शिकायत होगी। देखो हम जस्ट ट्राई किया है, ट्राई किया है, क्योंकि आपको तो अच्छा गाना काफी मेरा सामने में मौजूद है, वो गा के सुनाएगा। और हम चाहते हैं कि आप जिंदगी में आए, जिंदगी में सब है तो आपको अच्छा अगर आपको आप अनुभव करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना बेसुरा आवाज को सुनाया और आपको बाद में अच्छा सुनने मिलेगा। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज दैट आई एम स्टैंडिंग हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हिमालयन यूनिवर्सिटी, स्पेशली जुमका सर। गाइस दिस इज पंगम लोंगु और ये मेरा फर्स्ट विजिट है एंड आई एम रियली मच एक्साइटेड। शानदार परफॉर्मेंस कर दिया है, इसीलिए इस मैडम के लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। ठीक है, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर भी, मुसाफिर है हम भी, मगर ए जाने मत किसी ना किसी मोड़ पर तो मुलाकात तो होगी, मुलाकात तो होगी। तो फिर से प्लीज एक बार जोर दो, थैंक यू सो मच मैम। गाइस आज बहुत ही यूनिक सा चीज हुआ। सबसे पहले तो मेरा सैंडल को लेके, अभी फिर क्या हुआ कि आई गॉट समवन जो मेरा तामंगों गिसासी का इतना बड़ा फैन है कि आज मैंने ये गाना गाया तो आज हमें फ्राइड राइस का ट्रीट मिल रहा है। तो ये हमारे सर रेस्पेक्टेड सर तो इसमें फायदा उतार रहा है मेरा चापू भाई, मेरा ताचांग भाई और इवन हमारे झुंगा सर भी फायदा उतार रहा है। तो तामंगों गिसासी कितना फायदेमंद गाना है ये आप लोग समझ ही सकते हैं। इस गाने से फ्राइड राइस भी मिलता है और लाल चाय भी मिलेगा और फेवरेट सॉन्ग और बहुत फेवरेट फ्यूचर में क्या पता चिकन रोस्टिंग भी हो सकते हैं नजर। तो अभी हम तो वैसे अभी हम लोग एक चापू भाई का दोस्त ना बहन ना चापू भाई का एक बहन के यहाँ पे आया है तो अच्छा है अपना आदमी है सब स्टॉल बैठने से विजिट करना चाहिए। मेरे ताचांग भाई को इतना प्यार मिला जैसे मैंने बताया कि आज तामंग और गिसासी का गाने के हिसाब से ट्रीट है सर, हमें ट्रीट देके वो खुद नहीं खा रहा है फिर भी कोई बात नहीं। और ये जो छोटा प्लेट देख के मुझे मेघालय याद आ रहा है, वहाँ पे ऐसे ही प्लेट छोटा होके ऐसे खाना खाता है और जुंगा भी पूरा दबा रहा है।
पूरा स्टूडेंट लोग को 7 गोल दे के खुशी खुशी। तो गाइस अभी मैं ख़त्म करती हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ चटनी आ जाए। तो टचंग भाई कैसा लग रहा है? और हमको भी थैंक यू बोलो, हम गाना गाया इसलिए। तो गाइस अभी हमने अपना प्रोग्राम खत्म किया और अभी हम निकलेंगे। बिफोर देन मैं स्पेशली जुंगा सर थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे आप बुलाने के लिए और मेरा बचपन का यार। थैंक यू मिस पंगम लंबे, मेरा हम लोग यहाँ इनविटेशन का एक्सेप्ट करने के लिए और जरूर मिलेंगे हम फिर। वी आर वेरी मच लव यू। और ये पूरा तिरबिन है, मतलब ना हम लोग सब तिरबिन और मेरा भी भाई तिरबिन, इन लोगों भी तिरबिन बना देगा। और मेरा भाई बहुत अच्छा गाना गाया है। थैंक यू अनी, थैंक यू। आई होप उनको ही मिलेगा, ये फेवरिज्म हिसाब से नहीं बोल रहा है, मतलब अच्छा गाया है। तो भाई मिलने से भाई क्योंकि वो भाई को मिलने का जगह भी पता, लेजी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ओके ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ एंड होप टू सी यू ऑल अगेन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय ब्लॉग, बाय।